प्राधिकरण के ओएसडी पर केस दर्ज हुआ है। ओएसडी रविंद्र सिंह यादव ने भ्रष्टाचार से दौलत कमाई है, अवैध ज्ञात आय से 159% अधिक पैसा किया है। 2019 में शिकायत के बाद जारी हुई थी ओएसडी की जांच। यूपी विजिलेंस मेरठ में दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का मुकदमा। लंबे समय से प्राधिकरण में जमे ओएसडी रविंद्र यादव 2012 से 2017 तक नोएडा प्राधिकरण में भ्रष्टाचार और हमारे सहयोगी दानिश और नोएडा से और मेरठ से हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। दानिश, हम सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और ये क्या कुछ पूरा मामला है जो ओएसडी रविंद्र यादव को लेकर के सामने आ रहा है। 2012 से 2017 तक नोएडा प्राधिकरण में ये जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला और अभी तक इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? बिल्कुल, देखिए 2012 से लेकर 2017 तक आरएस यादव नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनात थे और यहीं पर इन्होंने भ्रष्टाचार की जो एक कह सकते हैं कि बुनियाद खड़ी करी और यहां से अकूत पैसा कमाया। और जब 2017 में सरकार चेंज हुई है तो इनका ट्रांसफ़र गोरखपुर कर दिया गया, लेकिन जुगाड़बाजी करके दोबारा से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ये आ गए और ओएसडी जैसा जो है जो मुख्य पद होता है विशेष कार्यकारी अधिकारी के रूप में दोबारा से वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तीन साल तकरीबन चार साल गोरखपुर में भी ये रहे हैं। 2022 में बाकायदा भूमि आवंटन घोटाले को लेकर विजिलेंस ने एक जांच करी थी, उसमें भी एक मुकदमा इनके ऊपर मेरठ में दर्ज किया गया था। 2019 में आय से अधिक जो संपत्ति है उसको लेकर इनकी जाँच चल रही थी। जो इनकी आय थी वो तकरीबन 94 लाख के करीब करीब थी कि हाँ इन्होंने अब तक 94 लाख रुपये कमाए हैं, लेकिन जो इनका खर्च था वो 2 करोड़ से ज़्यादा था, यानी 158% से अधिक की जो रकम थी वो जो है रिश्वत से कमाई गई थी। आरएस यादव अभी भी मतलब आप खुद सोचिए कि 2022 में एक अधिकारी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है भूमि आवंटन का और उसके बावजूद उसको ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी पद पर तैनात किया गया। ये दूसरा मुकदमा विजिलेंस टीम ने दर्ज कराया है मेरठ में। अब तक जो साक्ष्य मिले हैं साफ जाहिर हो चला है कि इनके ऊपर जो 158% की जो आय अधिक निकल रही है वो रिश्वत से कमाई गई है, क्योंकि लगातार 2019 से लेकर अब तक जो जांच अधिकारी लगातार इनसे पूछताछ कर रहे थे, लगातार इनसे ब्यौरा मांग रहे थे, ये एक भी ब्यौरा देने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हाँ जब आप किसी पैसे को कमाते हैं तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम की जो सवाल के जो जवाब हैं वो होते हैं, लेकिन जब आप रिश्वत लेते हैं तो आपके पास सवालों का जवाब नहीं होता। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र भी जुड़े हुए मेरठ से। नरेंद्र, आपने पूरी प्रकरण सुना होगा, जिस प्रकार से रविंद्र यादव की घोटालेबाजी सामने आई है, तमाम प्राधिकरण की खबरें हम दिखाते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एमडी की खबर पे ही चर्चा कर रहे थे नरेंद्र, इस प्रकार से ये घोटाले करते केसेस होता है, जांच होता है, चले जाते, आखिर क्या वजह है कि इनमें डर नहीं बैठता है, किसकी वजह से बेखौफ है और इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को ये लोग अंजाम दे रहे हैं? नरेंद्र, देखिए ये जो इनकी आदत है, जो 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 ऐसे अधिकारियों की आदतें हैं, वो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन है उसको चुनौती है, खुली चुनौती है। और उस चुनौती में कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं और साठगांठ उनकी रविंद्र सिंह यादव जैसे लोगों से है। तो रविंद्र सिंह यादव जो है इनका इतिहास काफ़ी काला रहा है और इन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए अकूत दौलत कमाई है और इसीलिए इनके खिलाफ 2019 में ये जांच शासन के आदेश पर शुरू हुई थी और खुली जांच थी जिसमें कोई भी इनके खिलाफ जो भी बयान है वो दे सकता था। इनसे भी इसमें जवाब मांगा गया लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए, तब जाकर अब इस पूरे मामले में विजिलेंस टीम ने मुकदमा दर्ज किया है और ये मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत दर्ज किया गया है। इससे पहले नवंबर 2022 में इनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ था, वो भी इसी तरह का मुकदमा था जो भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दर्ज किया गया है और उसमें इन्होंने एक कंपनी को जो प्रचलित रेट थे उससे कम में भूमि का आवंटन कर दिया, जिसको लेकर इनके खिलाफ जांच शुरू हुई, लंबे समय जांच चली, जिसके बाद में शासन से अप्रूवल हुआ, तब जाकर इनके खिलाफ 4 महीने पहले मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन आप बेशर्मी की इंतहा देखिए कि जब इनके खिलाफ पहली जांच के आदेश हुए और
उसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद दूसरी जांच के आदेश और मुकदमा दर्ज हो गया। बावजूद इसके पिछले 4 महीने से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में ये ओएसडी के पद पर तैनात हैं। जबकि आप सोचिए कि अगर ऐसा छोटा सा भी आरोप अगर पुलिस महकमे के किसी छोटे से कर्मचारी के ऊपर लग जाता है तो उसको बर्खास्तगी तक झेलनी पड़ती है, लेकिन ये अफसरों का संरक्षण ही है कि ये वहाँ पर आज भी तैनात हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि विभागीय जांच शुरू होनी चाहिए थी इनके खिलाफ। इसके अलावा इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर ये अपने पद पर बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर जो जांच होनी है वो निष्पक्षता से नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अभिलेख हैं, वो सब उस पर ये कुंडली मारे बैठे हैं, तो ऐसे में निष्पक्षता से जांच होना मुमकिन नहीं है। उसके लिए जो विभागीय नियमावली है उसके अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, और देखिए ऐसे अफसरों पर सख्त होने की भी बेहद जरूरत है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।